हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि गोलू यहाँ पे टोटो में क्या कर रहा है। तो आज हमारी पूरी फैमिली हम निकले हैं बोंगाईगांव रास मेला देखने, जो कि आज लास्ट है। सो यहाँ पे पूरा टोटो ओवरलोडेड हो गया था गाइस, फिर हम फाइनली पहुँच गए यहाँ पे बिना पलटे। तो यहाँ पे है धीतू और अभी हम जा रहे हैं अंदर। दोनों यहाँ पे काला काला भूत बन के आए थे। फिर गाइस यहाँ पे भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा है। मतलब आज लास्ट पूजा है तो लास्ट के दिन तो बहुत ज्यादा भीड़ होती ही है। और ऊपर से जब कोरोना के टाइम पे मेला नहीं हुआ था तो तब तो बहुत ज्यादा मिस किया मेले को। और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग पहले जा रहे हैं मंदिर की ओर, सारी मूर्तियां देखेंगे। वैसे मैंने फर्स्ट डे का भी वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना गाइस। और आज लास्ट डे को फिर से वीडियो बना रही हूँ। बीच में और एक दिन भी आई थी, बट उस दिन वीडियो नहीं किया था मैंने। सो यहाँ पे आप सब लोग देख ही सकते हो कि मंदिर कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ था, बिकॉज सारी मूर्तियाँ इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई थी ना गाइस। और यहाँ पे ये टेम्पल रन का गुफा तो है ही। फिर हम गुफा के अंदर आए और फिर निकल भी गए वहाँ से। यहाँ पे और थी मूर्तियाँ और सारे ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और मंदिर का लुक तो मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि स्वर्ग में आ गई हूँ। लाइटिंग वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आप सबको, मतलब रियल में आके देखना चाहिए। यहाँ पे ये फाउंटेन भी थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। और फिर हम आ गए राइड्स की सेक्शन में, जो मेले की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होती है। तो यहाँ पे बच्चों का जो है ट्रेन आप सब देख सकते हो, सारे बच्चे इसके मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो नाव है, यहाँ पे मुझे उठना था बट फिर मन नहीं किया तो मैं नहीं उठी। और गाइस मिक्की माउस में ना मुझे अभी भी उठने का मन करता है। फिर धीतूमान को मिल गया था उसकी एक फ्रेंड, तो वो दोनों मिलके जो है वो जायंट व्हील में वो लोग चढ़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे मन बिल्कुल भी नहीं था तो वो अपनी फ्रेंड के साथ ही चला गया। सो ये वीडियो जो है वो धीतूमान ने किया था वो जायंट व्हील के ऊपर से। और यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे तो ये वीडियो देखते ही सरसराहट होने लगी है, बट मुझे अभी उतना मज़ा नहीं आता क्योंकि मैं बहुत उठ चुकी हूँ ना इसमें गाइस, तो इसलिए अभी डर तो कुछ भी नहीं लगता। सो बोरिंग ही हो गया है मेरे लिए तो अभी, इसलिए मैं नहीं उठी इस बार। बट धीतूमान का ये फर्स्ट राइड था और उसको उतना भी डर नहीं लगा जो उसने बताया। अब पता नहीं सच क्या है। सो यहाँ पे डिस्को डांसर, ब्रेक डांस जो भी कहो आप, वो भी चालू है। इसमें भी बहुत अच्छा लगता था पहले उठना, बट अभी ये भी बोरिंग हो चुका है। तो हमने खाया फिर पानी पूरी, सॉरी पापड़ी चाट, क्या बोल रही हूँ मैं। फिर हम पापड़ी चाट खा के तो हमारा भुक्कर पेट, मतलब क्या बोलूँ, भुक्कर मन शांत तो नहीं हुआ। तो हम आ गए फिर एग रोल खाने, जो कि बहुत ही फेमस एग रोल है महंतो अंकल का। तो बोंगाईगांव के जितने लोग हैं सबको पता ही होगा इनके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी सब्जियाँ कटी हुई है यहाँ पे। और फिर गाइस पता है क्या हुआ, इन सब का एग रोल आ चुका था, बस मेरा ही नहीं आया था। और ये लोग मुझे ऐसे दिखा दिखा के खा रहे थे, और यहाँ पे गोलू को तो देखो कैसे खा रही है। फिर मैंने उसको बोला कि मुझे दे दो थोड़ा गोलू, बट वो नहीं दे रही थी। फिर यहाँ पे मेरा एग रोल भी बन रहा था और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो मेरी तो मुँह में मतलब पानी आ रही थी इसको देखते ही। फिर फाइनली मुझे भी मिल गई मेरी एग रोल, और यहाँ पे भैया बहुत अच्छे से ही बना रहे थे उसको। और इतना यम्मी होता है ना गाइस ये, कि मैं क्या बताऊँ। जिन लोगों ने खाया उन लोगों को पता होगा कि ये एग रोल कितना टेस्टी होता है, और पेट भी भर जाता है मेरा तो एक से ही। यहाँ पे मासी को तो देखो गाइस। फिर हमने लिया कुछ ईयरिंग्स और फिर हम आ गए जलेबी लेने। बिना जलेबी के मेला कभी कंप्लीट होता है क्या गाइस, आप सभी बताओ। तो यहाँ पे जलेबी भी पूरा गरम गरम तला जा रहा था। और यहाँ पे जब जलेबी क्रिस्पी होती है ना गाइस, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। आपको कैसे पसंद है ज़रूर बताना कमेंट्स पे। फिर फाइनली हमने ऑटो पकड़ी और हम चल पड़े घर की ओर। और इस बार टोटो में नहीं, ऑटो में आए, बिकॉज हम लोग ही इतने सारे थे ना कि टोटो में तो मुश्किल से ही फिट हो रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।